पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों इस वक्त बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि अब एक हिटमैन है जो दोनों की जान खतरे में डाल सकता है। सीज़फ़ायर खत्म के बाद एक बड़ा फैसला होने जा रहा है और शुरुआती रिपोर्ट ये है कि अगले 48 घंटे में बहुत गंभीर हालात बन सकते हैं। यूक्रेन जंग को 11 महीने होने वाले हैं और अब पता चला है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए इतना भयानक खून खराबा क्यों कर रहे हैं। अब पता चला है कि पुतिन जंग के 315 दिन बाद क्यों पूरे यूक्रेन की फौज का सफाया करने पर उतारू हैं। अब इस दावे के बारे में भी पता चल रहा है कि पुतिन कैसे अपने 10 जनरलों की मौत का बदला पूरे यूक्रेन से लेने जा रहे हैं। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये क्यों दावा कर रहे हैं कि पुतिन रूसी तानाशाह स्टालिन की तरह अब पूरे यूक्रेन में भयानक नरसंहार करवा रहे हैं। बखमुत और बुचा में इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है जिसे देखकर ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि बहुत जल्द राजधानी कीव में भयानक खून खराबा होने वाला है। क्या रूस जनवरी से लेकर मार्च तक यूक्रेन के 15 शहरों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा? क्या अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से मिले घातक हथियारों का तोड़ रूस की फौज को यूक्रेन में ही मिल गया है? कई एक्सपर्ट्स ये दावा क्यों करने लगे हैं कि पुतिन के खूनी इरादों को भांपने में नेटो और अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी कीमत यूक्रेन की तबाही में दिख रही है। आखिर अगले 48 घंटे में पुतिन की फौज ऐसा क्या करने जा रही है जिसके बाद यूक्रेन में रूस को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लगता है 70 साल के रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सोना छोड़ दिया है, क्योंकि 48 घंटे से पुतिन लगातार एक्टिव हैं। यूक्रेन पर होने वाला हर मिसाइल और रॉकेट हमले पर पुतिन की नजर बनी हुई है। इस वक्त यूक्रेन में जितने भी भयानक हमले हो रहे हैं उसकी डायरेक्ट रिपोर्ट क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर तक पहुंच रही है। पुतिन क्रेमलिन से ही यूक्रेन पर कहां और कितने हमले होने हैं इसका सीधा ऑर्डर दे रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पुतिन ने अच्छी तरह से गुणा भाग कर लिया है कि अगर जनवरी से लेकर मार्च तक उन्होंने यूक्रेन को संभालने का मौका नहीं दिया तो ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को हर हाल में रूस के सामने घुटने टेकने होंगे। इसीलिए सीज फायर के बाद से रूस ने यूक्रेन पर टैंक, तोप, रॉकेट आर्मी, अटैक ड्रोन और घातक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के दोनेत्स्क प्रांत के गवर्नर पावलो किरिलेंको के मुताबिक रूस की फौज ने इलाके में 9 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। क्रमाटोरस्क, ज़ापोरिज़्या शहर में भयानक धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। हम आपको बता दें कि दोनेत्स्क प्रांत के मकियुका में ही यूक्रेन ने अमेरिका के हाइमर्स से 6 रॉकेट दागकर 89 रूसी सैनिकों को मार डाला था।
हालांकि यूक्रेन दावा करता है कि इस खूनी हमले में 500 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए थे, लेकिन इस हमले में 72 घंटे के बाद जिस तरह से रूस ने यूक्रेन में खून खराबा शुरू किया है, उससे जेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। जेलेंस्की अब रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि सीज फायर के दौरान भी रूस यूक्रेन में नरसंहार कर रहा है। खास तौर से यूक्रेन के बखमुत का हाल देखकर जेलेंस्की की रूह कांप रही है। Підсумок в роботі щодо багатьох громадян Росії та пов'язаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу терорист. Сьогодні є перший такий санкційний список, будуть наступні рішення по санкціях проти таких осіб. Усі, чий голос звучить в унісон з гуркотом. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की 3 लाख फौज अगले 48 घंटे में यूक्रेन पर धावा बोलने जा रही है। ये राजधानी कीव और दक्षिणी यूक्रेन के उन हिस्सों पर हमला करने जा रहे हैं जहां रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा नेटो और पश्चिमी देशों के हथियार यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को जिस बड़े पैमाने पर मारा है, उससे पुतिन बुरी तरह से बौखला गए हैं। ओपन सोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, तब से यूक्रेन ने रूस सेना के अधिकारियों की टारगेट किलिंग की है। यूक्रेन की इस टारगेट किलिंग के बाद से रूस को बहुत बड़ी संख्या में अपने अधिकारियों की जान से हाथ धोना पड़ा है। यूक्रेन के टॉप कमांडर्स की तरफ से यहां तक दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर हमला करने में शामिल रूसी सेना के आधे से ज्यादा कमांडर यूक्रेन में मारे जा चुके हैं। हम आपको ओपन सोर्स के एक आंकड़े को दिखाते हैं जो दावा करता है कि 10 महीने की जंग में रूस की फौज को भयानक नुकसान हुआ है। चौबीस फरवरी 2022 से अब तक जंग में रूस के 10 जनरल मारे गए हैं, जबकि युद्ध में अब तक रूस के 840 कैप्टन और सीनियर लेफ्टिनेंट मारे जा चुके हैं।